नमो बुद्धाय। ये सूत्र उपदेश का नाम है संपसादनीय सूत्र। संपसादनीय मतलब प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले धर्म के बारे में बताया गया उपदेश। उस समय भगवान बुद्ध जी नालंदा में पावारिक आम की बगीचा में विराजमान थे। तब अरहंत सारिपुत्त भंते जी भगवान बुद्ध जी के पास आकर के नमन करके बैठ गया। तब अरहंत सारिपुत्त भंते जी तथागत को बताया, भगवान बुद्ध जी तथागत के बारे में मेरा मन में ऐसा प्रसन्नता है। कैसे? तथागत भगवान बुद्ध जी जो कोई संबोधि प्राप्त किया है, संबुद्धत्व प्राप्त किया है, उस संबुद्ध ज्ञान से बढ़कर और कोई भी ज्ञान अन्य कोई श्रमण ब्राह्मण के पास नहीं है। इतना ज्ञान संबुद्धत्व के साथ जो आपको प्राप्त हो गया, वैसा ज्ञान अतीत में भी किसी के पास नहीं है, नहीं था, भविष्य में भी किसी के पास और नहीं होगा, वर्तमान में भी आपके पास जो संबोधि ज्ञान है वो ज्ञान के बराबर किसी के पास नहीं है, ज्ञान से बढ़कर किसी के पास नहीं है ज्ञान। भगवान बुद्ध जी बताया, सारिपुत्र आपने बताया जो कुछ बहुत श्रेष्ठ वचन बताया है, महान शब्द बताया, एकांत रूप से जो बताया है उसका कोई मतलब है? ये तो एकांत रूप से एक सिंह नाद है, शेर का नाद है। क्या है? भगवान बुद्ध जी, मेरा मन में आपके बारे में एक प्रसन्नता है। वो क्या है? भगवान बुद्ध जी जो कोई संबोधि प्राप्त किया है उससे बढ़कर ज्ञान और अन्य श्रमण ब्राह्मण के पास अतीत में भी नहीं था, भविष्य में भी नहीं होगा, वर्तमान में भी नहीं। फिर भगवान बुद्ध जी पूछा, क्या सारिपुत्र, वो अरहंत अतीत में भी अरहंत सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध जी लोग थे, तो उन तथागत भगवान बुद्ध जी लोगों का मन आपका मन से देखा है कि इसी प्रकार अतीत के तथागत भगवान बुद्ध जी लोग भी शीलवान थे, अतीत में भी इसी प्रकार धर्म उनके पास थे, इसी प्रकार प्रज्ञावान थे, इसी प्रकार आचरण थे, इसी प्रकार विमुक्ति थे, ऐसा अतीत का भगवान बुद्ध जी लोगों का मन अपने मन से देखा है? भगवान बुद्ध जी नहीं देखे हैं। तो सारिपुत्र, भविष्य में अरहंत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी लोग होंगे, तो भविष्य में आने वाले अरहंत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी लोगों का मन अपने मन से देखा है कि ऐसा शीलवान है, ऐसा धर्म है, ऐसा आचरण है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा विमुक्ति है, उनके मन देखे हैं? नहीं तथागत। तो वर्तमान तथागत भगवान बुद्ध जी लोगों का मन को देखे हैं? नहीं तथागत। इसके बाद बताया, सारिपुत्र यहाँ अतीत अनागत वर्तमान अरहंत सम्यक संबुद्ध लोगों का विषय यानी कि चेतोपरी ज्ञान, चेतोपरी ज्ञान मतलब भगवान बुद्ध जी का मन को पढ़ने का ज्ञान आपके पास नहीं है। किनको बता रहे हैं? सारिपुत्र भंते जी। ऐसे होने के बावजूद भी सारिपुत्र ऐसा बहुत श्रेष्ठ महान एक वचन बताया अपने मुंह से,
वो क्या है? भगवान बुद्ध जी के बारे में ऐसा प्रसन्नता मेरा मन में है कि भगवान बुद्ध जी जो कोई संबोधि प्राप्त किया उससे बढ़कर ज्ञान और अन्य किसी के पास नहीं है, अतीत में भी नहीं था, भविष्य में भी नहीं होंगे, वर्तमान में भी नहीं है। फिर सारिपुत्र बंते जी बताया भगवान बुद्ध जी अतीत अनागत वर्तमान अरहंत सम्यक संबुद्ध लोगों के बारे में चेतोपरी ज्ञान मेरे पास नहीं है। चेतोपरी ज्ञान मतलब उनका मन पढ़ने का ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन स्वामी जी तथागत मैंने धर्म न्याय में आकर के एक निर्णय में आ गया। भगवान बुद्ध जी मैं भी एक तथागत भगवान बुद्ध के बारे में मेरे ज्ञान के अनुसार एक न्याय में आकर के एक निर्णय में आ गया है। वो कैसा निर्णय है? एक राजा को बहुत सुरक्षित एक नगर है। वो नगर कैसा सुरक्षित है? चारों की ओर प्राकार बनाया हुआ, प्राकार मतलब दीवार, मजबूत दीवार बनाया हुआ है। उस नगर की शहर के अंदर के लिए अंदर जा घुसने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। उस दरवाजा के पास एक प्रज्ञावान व्यक्ति, अच्छा गुणधारी एक व्यक्ति है, चौकीदार। वो जो जान नहीं जानता है, नहीं पहचानता, उसको अंदर घुसाएगा नहीं। जो जान पहचान है उसको ही अंदर घुसाता है। दिमाग वाला प्रज्ञावान है वो, कौन है? द्वारपाल। वो द्वारपाल बाहर शहर के किनारे किनारे, दीवार के किनारे किनारे घूम घूम के देख रहे हैं, कहीं एक बिल्ली को भी जाने का कोई जगह है, कोई छेद है, पूरा देख रहा था। अंत में उनको मालूम हो गया पूरे शहर में कहीं भी किसी को भी घुसने का एक भी छेद नहीं है। तब उनका मन में आ गया जो कोई ओलारिक प्राणी मतलब जिसका शरीर है, भूत प्रेत देवता छोड़ के जिसका ओलारिक शरीर मतलब जिसका शरीर है, वैसा कोई भी प्राणी मेरा जानकारी से अलावा अंदर नहीं घुस सकता है, बाहर नहीं आ सकता। क्यों? चारों तरफ किसी को घुसने का जगह नहीं, घुसने का सिर्फ एक जगह है, वहां ये दिमाग वाला प्रज्ञावान द्वारपाल है। समझ में आ गया? वैसे ही है भगवान बुद्ध जी। मैं भी एक धर्म न्याय में आकर के एक निगमन किया, एक निर्णय में आ गया है भगवान बुद्ध जी। जो कोई भगवान बुद्ध लोग अतीत में थे, उन तथागत भगवान सारे भगवान बुद्ध जी लोग मन में उत्पन्न होने वाले क्लेश गंदगी को नष्ट करके, प्रज्ञा को कमजोर करने वाले पंच निवरण को मिटा के, चार सतिपट्ठान में अच्छी तरह मन को एकाग्र करके, सप्त बोज्जंग उसी प्रकार बढ़ा के सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किए हैं अतीत के भगवान बुद्ध जी लोग। तथा जो कोई भविष्य में प्राप्त होंगे वो भगवान बुद्ध लोग भी अपना मन की सारे गंदगी को मिटा के, प्रज्ञा को कमजोर करने वाले पंच निवरण को नष्ट करके, चार सतिपट्ठान में अच्छी तरह मन को एकाग्र करके, सप्त भुजंग बढ़ा के अनुत्तर सम्यक संबोधि को प्राप्त करेंगे। तथा इस समय में भी
हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी भी। मन को गंदगी करने वाले गंध हटा के, प्रज्ञा को कमजोर करने वाले पंच निवरण को नष्ट करके, चार सतिपट्ठान पर मन को एकाग्र करके, सप्त भुजंग अच्छे से बढ़ा के सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किए हैं। तो भगवान, मैं तथागत भगवान बुद्ध जी से ज्ञान सुनने के लिए आया हूँ। तो भगवान, उन तथागत भगवान बुद्ध जी कुशल अकुशल धर्म पूरा विस्तार करके बहुत मधुर उत्तम प्रवचन दिए हैं। हम आकर के भगवान बुद्ध जी पास जिस दिन आ गया, उसी दिन भगवान बुद्ध जी कुशल अकुशल धर्म अच्छे से विस्तार करके बहुत मधुर उत्तम धर्म उपदेश दिया। जिस प्रकार भगवान बुद्ध जी कुशल अकुशल धर्म विस्तार करके प्रणीत उत्तम धर्म बताया है, उसी प्रकार मैं भी धर्म का विशिष्ट ज्ञान संपूर्ण रूप से अनुबोध किया। मैं उसी दिन अपनी शास्त्रता के ऊपर एक अटल प्रसन्नता में आ गया। जरूर तथागत भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है। कैसे अटल निर्णय में आ गया, अटल प्रसन्नता में आ गया? भगवान बुद्ध जी कुशल अकुशल धर्म को विस्तार करके मधुर और उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान बताया। ये ज्ञानी पुरुष भी वो ज्ञान अच्छा से अपना लिया। कैसे? कॉटन कपड़ा में पानी तुरंत खींच लेता है, वैसा अच्छा से खींच लिया ज्ञान, तब अनुबोध किया सब कुछ, तब वो अटल निर्णय में आया। एकांत रूप से तथागत भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध जी ने जो कोई अच्छी तरह से बताया गया धर्म है भगवान बुद्ध जी के पास, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संग बिल्कुल सही रास्ता पे आया हुआ है। वो संत असली संत है, डोंगी वाला नहीं है, दम स्प्रिट है, पवित्र रास्ता पे आया हुआ है। और तथागत भगवान बुद्ध जी कुशल धर्म के बारे में जिस प्रकार बताया, ये अनुत्तरीय धर्म है, उसमें ये कुशल धर्म है। ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी विस्तार किया, जैसे में चार सतपट्ठान, 17 सम्यक प्रधान वीर, चार ऋद्धिपाद, 5 इंद्रिय धर्म, 5 बल, 7 भुजंग, 8 अष्टांगिक मार्ग, इसको कहता है 37 बोधिपाक्षिक धर्म। भगवान बुद्ध जी यहाँ बंते जी का भिक्षु आश्रव क्षय करके अनाश्रव, मतलब आश्रव मतलब क्या है, राग द्वेष मोह इत्यादि गंदगी मिटा के अनाश्रव चित्त विमुक्ति, चित्त मतलब मन को कहता है, विमुक्ति मतलब मन से वो गंदगी मिट गया, उसको चित्त अनाश्रव चित्त विमुक्ति कहता है। अनाश्रव चित्त विमुक्ति मतलब आश्रव मिटा के मन मुक्त हो गया। अनाश्रव चित्त विमुक्ति तथा प्रज्ञा विमुक्ति, इस जीवन में ही अपने विशिष्ट ज्ञान से संपूर्ण करके रहते हैं। कौन है? प्रज्ञावान भिक्षु लोग। तो भगवान कुशल धर्म के बारे में, ये अनुत्तरीय धर्म है, वो भगवान बुद्ध जी संपूर्ण रूप से जानते हैं। भगवान बुद्ध जी संपूर्ण रूप से जानने से, विशिष्ट ज्ञान से
उस ज्ञान से, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान है, उस ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान और कहीं नहीं है। इस कुशल धर्म के बारे में भगवान बुद्ध की जो कोई प्रज्ञा है, अनुबोध है, बोध है, उससे ज्यादा जानने वाले अन्य कोई श्रमण ब्राह्मण कहीं नहीं हो सकता है, कहीं नहीं है। और भगवान बुद्ध जी आयतन के बारे में जिस प्रकार उपदेश दिया, ये भी अनुत्तरीय धर्म है। आयतन के बारे में, आयतन मतलब कंपनी है ना, अच्छे कंपनी है, आध्यात्मिक एवं बाहिर आयतन छह है। आध्यात्मिक मतलब अंदर और बाहर का छह आयतन है। आध्यात्मिक क्या है? आंख। बाहर क्या है? रूप। अध्यात्म क्या है? खान। बाहर शब्द। अध्यात्म क्या है? नाक। बाहर गंध। अध्यात्म क्या है? जीभ। बाहर स्वाद। अध्यात्म शरीर। बाहर स्पर्श। अध्यात्म मन। बाहर विचार। भगवान बुद्ध जी आयतन के बारे में, ये भी अनुत्तरीय धर्म है, वो सर्व प्रकार से संपूर्ण रूप से भगवान बुद्ध जी जानते हैं। भगवान बुद्ध जी विशिष्ट ज्ञान से ये जान गया, इससे बढ़कर और ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी के पास आयतन के बारे में जितना नॉलेज है, अनुबोध है, वैसा नॉलेज, वैसा ज्ञान संसार में और अन्य श्रमण ब्राह्मण के पास नहीं है। भगवान बुद्ध जी माँ की पेट में जन्म लेने के बारे में जिस प्रकार तथागत ज्ञान बताया है, ये भी अनुत्तरीय धर्म है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं माँ का पेट में जन्म लेने का चार प्रकार है। जो कोई बिना जान के माँ का पेट में जन्म लेता है, माँ का पेट में आता है, अनजान में ही माँ का पेट में रहता है, अनजान से ही माँ का पेट से निकल जाता है, ये पहला कारण। हम लोग कैसे होंगे ना, कोई जानकारी नहीं, आ गया, घुस गया, अंदर बढ़ रहा है, कोई जानकारी है ही नहीं, निकलता है, कोई याद है नहीं है। और एक है अच्छा से जानबूझकर माँ का पेट में आ जाता है, लेकिन बिना जानकारी होते हुए बढ़ता है अंदर, बिना जानकारी होते माँ का पेट से निकल जाता है। और भगवान बुद्ध जी और कोई जान से ही माँ का पेट में आता है, जान से ही पूरा जानकारी है तथा बढ़ते रहता है, लेकिन बिना जान से पेट से निकल जाता है। चौथा है कोई कोई लोग हैं संसार में अच्छे से मालूम है पेट में आता है और पेट में बढ़ता है, वो भी पूरा मालूम है, और पेट से निकलता है वो भी पूरा मालूम है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध जी सत्य के बारे में अच्छे से देख लिया, किसी प्रकार में अलग अलग डिवाइड कर सकता है आप, ये जानकारी और किसी के पास नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी, ये भी अनुत्तरीय धर्म है। भगवान बुद्ध जी दूसरों का मन के बारे में कारण बताने का तरीका भगवान बुद्ध जी संपूर्ण रूप से जानता है, ये भी अनुत्तरीय धर्म है। अनुत्तरीय तो मतलब उत्तरी धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म, यानी कि भगवान बुद्ध जी दूसरों का मन के बारे में बताने वाले चार तरीका है। पहला है कोई लोग शरीर से दिखने वाले आचरण को देख करके ऐसे बोलता है आपका मन ऐसा है,
आपका मन उसी प्रकार का है, आपका मन वैसा प्रकार का है, ऐसे ऐसे करके मन पढ़ सकता है शरीर का आचरण देख करके। भगवान बुद्ध जैसा किसी का शरीर देख के बोल दिया तो आपका मन ऐसा ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, दूसरा तरीका नहीं है। और लोग निमित्त देखता है वो, और लोग शरीर को देख के नहीं बोलता है लेकिन आवाज सुन के बोलता है, मानव का दानव का देवताओं का आवाज सुन के बोलता है। आपका मन ऐसा है, आवाज सुन के बोल सकता है आपका मन ऐसा है, उसी प्रकार का है। ये दूसरी तरीका है मन पढ़ने का। तीसरी तरीका है वो शरीर का आचरण देखता नहीं, हाथ पढ़ता नहीं और आवाज भी नहीं सुनता है, लेकिन दूसरा लोग सोचता है ना, सोचने वाले विचार पकड़ लेता है, विचार पकड़ के कहता है वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी, क्यों वो आदमी ऐसा सोच रहा है, ऐसा विचार करता है। ये तीसरी तरीका है मन पढ़ने का। चौथा है शरीर का आचरण अंग देख करके नहीं बता सकता है, देव मानव का आवाज सुन के नहीं नहीं बताता है, मन का वितर्क विचार देख करके नहीं बताता है। लेकिन वितर्क विचार सहित समाधि में बैठ के अपना मन से दूसरों का मन देखता है, इन लोगों का मन का संस्कार इसी प्रकार का है, इसी प्रकार वितर्क करता है, दूसरे प्रकार नहीं है। ये चौथी तरीका है, ये मन पढ़ने का तरीका, ये भी अनुत्तरीय धर्म है। भगवान बुद्ध जी दूसरों को मन पढ़ने का चार तरीका है ना। और भगवान बुद्ध जी दर्शन समापत्ति के बारे में भगवान बुद्ध जी जो कोई धर्म बताए वो भी अनुत्तरीय धर्म है। कोई कोई श्रीमन ब्राह्मण लोग बहुत वीर करके, अप्रमाण वीर करके और वीर करके अप्रमाद हो करके अच्छे से मनन करके इसी प्रकार समाधि मन में आकर के इस शरीर में तलवार से लेकर के ऊपर तक, बाल से लेकर के नीचे तक, पूरे चमड़ी से बंद हो गया हुआ, अनेक प्रकार से गंदगी भरा हुआ इस शरीर के बारे में मनन करके एक चित्त समाधि प्राप्त करता है। कैसे? ये शरीर में बाल है, लोम है, दांत है, नाखून है, मांस है, नस है, हड्डी है, हड्डी मांजा है, किडनी है, हृदय है, आत्मा है, पेट है, आंत है, फेफड़ा है, आमाशय है, पेकान है, पित्त है, सर्दी है, पीप है, खून है, पसीना है, फैट है और आंसू है, तेल है और धूप है, काकार है, पेशाब है, इसी प्रकार। ये दर्शन समापत्ति का पहला है। दर्शन समापत्ति इसका मतलब कौन सा ध्यान है? अशुभ ध्यान में आकर के अशुभ ध्यान से आराम से
दर्शन समापत्ति को प्राप्त कर सकता है, मन समाधि में ला सकता है अशुभ ध्यान से, मेहनत करेगा तो। और यहाँ और कोई श्रमण ब्राह्मण लोग वीर करके, अतिशय वीर करके, और वीर करके इसी प्रकार मन समाधि में ला करके, उसी प्रकार अनेक प्रकार के गंदगी से भरा हुआ शरीर को देखता है, ये शरीर में ये सारी गंदगी है तथा ये शरीर का मांस चमड़ी खून उसको भी पार करके हड्डी के बारे में मनन करता है, हड्डी के बारे में मनन करके एक समाधि प्राप्त करता है। ये भी दर्शन, दूसरी दर्शन समापत्ति। और कोई श्रमण ब्राह्मण लोग अप्रमादी हो कि वीर करके इस शरीर के बारे में मनन करके ये चमड़ी मांस हटा के उससे भी आगे हड्डी के बारे मन करके तथा इसी दुनिया में तथा और दुनिया में कहीं भी जो अटल विज्ञान है उसी विज्ञान के बारे में पूरा अनुबोध करके चित्त समाधि प्राप्त करता है, ये तीसरा है। चौथा है जो कोई श्रमण ब्राह्मण लोग बहुत वीर करके इसी प्रकार शरीर के बारे मनन करके इसे विज्ञान को भी पार करके अटल विज्ञान का कितना स्पीड है, कितना तेज है वो मनन करके समझ लेता है। विज्ञान का कितना तेजी गति से विज्ञान आता है जाता है किसी सब के बारे में, ये भी अनुत्तरी धर्म है। तो भगवान बुद्ध जी और लोगों का पुद्गल पंजाप्ति भी चार प्रकार का होता है। प्रज्ञाप्ति, पुद्गल प्रज्ञाप्ति अनुत्तरी धर्म है। यह चार प्रकार के पुद्गल हैं, उभुतो भाग विमुक्त, प्रज्ञा विमुक्त, काय साक्षी, दिट्ठापत्त, श्रद्धा विमुक्त, श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारी। ये पुद्गल प्रज्ञाप्ति के बारे में अनुत्तरी धर्म है। ये पुद्गल सात लोग हैं, उभुतो भाग विमुक्त, प्रज्ञा विमुक्त, काय साक्षी, दिट्ठापत्त, श्रद्धा विमुक्त, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारी। पहले श्रद्धानुसारी में आता है, इसका धर्मानुसारी में आता है, फिर श्रद्धा विमुक्त में आता है, फिर दिट्ठापत्त में आता है, काय साक्षी, फिर प्रज्ञा विमुक्त, फिर उभुतो भाग विमुक्त, ऐसे आता है। भगवान बुद्ध जी वीर के बारे में जो ज्ञान बताया वो भी अनुत्तरी धर्म है। कैसे? बोज्जंग सात है, साति संबुद्ध बोज्जंग, धम्म विचे, वीर्य, प्रीति, पश्चाद्धि, समाधि, उपेक्षा, ये भी अनुत्तरीय धर्म है। भगवान बुद्ध जी जैसा दुनिया में ऐसा प्रज्ञावान और कहीं नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मैं भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे लोग जाता है, मैं दूसरे धर्म के लोग था, आज भी है जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा भगवान बुद्ध के समय में अलग अलग धर्म के लोग था। तो बांते लोग जाता है, पंथलों से बातचीत करता है, तो आप लोग का धर्म भी ऐसा है, हम लोग का धर्म भी ऐसा है, बातचीत करता है। तो भगवान बुद्ध के धर्म के रास्ते पर जाने वाले छोटे लोग से
बाकी धर्म के लोग हार जाता है। क्यों? कुछ है ही नहीं बाकी धर्म का, सिर्फ इतनी छोटा छोटा चीज, यानी कि हर एक धर्म का स्वभाव क्या है, दूसरों का मन फंसाने वाली चीज है। विश्वास करो, पूरा विश्वास करो, जितना तुम्हारे पे विश्वास उतना तुमको भलाई करेगा। श्रद्धा रखो, पूजा करो, जितना तुम पूजा करो उतना तुम पे विश्वास करेगा। ऐसे ना हर एक धर्म ऐसा है ना, तुम भगवान पे विश्वास करो, तुम विश्वास नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो तब फल मिलेगा। यानी कि हर एक धर्म पे मांगने वाली चीज दूसरा से मिल रहा है, उधर से मांगो मांगो मांगो। भगवान बुद्ध धर्म में मांगना लेन देन नहीं है, अपने से प्राप्त करने का चीज है। बाकी धर्म में सिर्फ विश्वास करना है। क्या हुआ श्रीलंका में, अभी वो ईसाई धर्म फैलाने वाला एक सिस्टम है, उन लोग अस्पताल में जाता है, जाकर के बोलता है देखिए अभी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पास जाकर के बैठो ना उधर आराम से जाके बात करता है। पहले ईसाई का सिस्टर्स लोग जाके बात करता है, इधर पता ना श्रीलंका में कौन कौन बचेगा, फिर डॉक्टर बताता है ये लोग बचने का संभव है, ये लोग तो बचेगा नहीं, जो नहीं बचेगा उन लोग के पास उन लोग नहीं जाता है, जो बचेगा उन लोग के पास जाके बोलता है आपके नाम से हम लोग भगवान को पूजा किया है, प्रार्थना किया, जरूर आप ठीक हो जाएगा। फिर कोई भी बीमार पड़ेगा तो मरने वाला जैसा है तो कौन नहीं चाहता है जीना, सभी लोग चाहते हैं जीना। हाँ ठीक है, मेरे नाम से प्रार्थना करिए। कोई इधर कोई आके मुस्लिम बाबा आगे बोल दिया था, अभी बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई भी चलेगा मुस्लिम, कोई भी जो कुत्ता का धर्म है फिर भी चलेगा, हमको आशीर्वाद करो, ऐसा ना बोलेंगे लोग। तो इसके बाद उन लोग क्या करता है, प्रार्थना करता है, बताया अभी आप लोग देखिए भगवान बुद्ध के मंदिरों में जाके पूजा किया, ठीक नहीं ना हुआ, नहीं अभी ठीक हो जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं, अभी वो आदमी ठीक हो रहा है, क्यों डॉक्टर बताए ठीक हो रहा है। फिर उन लोग क्या करेगा, अपना धर्म हमेशा के लिए हटा के ईसाई में बन जाता है। इसके बाद और एक सिस्टम है, और क्या होता है, कोई कोई लोग ऐसा नहीं, डॉक्टर का वचन भी बदल जाता है, मतलब पलट जाता है, कोई मारने वाला है बता रहा है और विश्वास करना है, और ऊपर वाले के प्रति विश्वास करो, और विश्वास, फिर मर जाता है, मरने के बाद बताता है आपका वो पापा ले लिया है, अभी उनका गोद में है, ऊपर वाला में है, आप सुरक्षित हैं, ऐसे करके बताता है। यानी कि एकदम छोटा है, बच्चा का धर्म है, बाकी हर एक धर्म बच्चा के लिए है। यानी कि सिर्फ बाहर से विश्वास करो, पूजा करो, मानो मानो मानो, तब तुमको कल्याण होगा। भगवान बुद्ध की ग्राफ का पैसा नहीं, भगवान बुद्ध सीधा बताते तुम्हारे पास सब कुछ है, ईश्वर तुम्हारे पास है, ये सब कुछ तुम्हारे पास, तुम जागो, तुम्हारे अंदर तुम पहचानो, पहचान के तुमसे ही तुम जीत लो, ऐसा बताता है। तब भगवान बुद्ध रास्ता पे जाने वाले लोग ध्यान करना शुरू करता है, धर्म प्रैक्टिस करना शुरू करता है, सारे जगह के प्रति मैत्री करना शुरू करता है, सबको दया करना शुरू करता है, दान देता है। अभी कोई धर्म के लोग दान देता है, जितना भगवान बुद्ध बुद्धिस्ट लोग कितना दान देता है, वियतनामिस लोग उस दिन 500 लोग को दिया और एक दिन 200 लोग को दिया, सिर्फ इधर हर जगह दे रहा है, अमीर लोग नहीं है, वियतनाम इंडिया से गरीब है, वियतनामिस लोग इंडियन लोग से ज्यादा गरीब है, आप लोग का परिवार जैसा, कॉलोनी के लोग जैसा, लेकिन उन लोग देता है। श्रीलंका लोग आया था कितना देता है, और थाईलैंड के लोग, सभी लोग बुद्धिस्ट लोग क्यों देता है, वो भगवान बुद्ध सिखाता है अपने अंदर से जानो पहचानो, अंदर से पहचान के अंदर जीत लो, सभी लोग आप खुद को पहचानते ही इतना खुशी होता है, लोभ क्रोध मोह माया धीरे धीरे हट जाता है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी त्याग कर सकता है, ऐसा स्वभाव भगवान बुद्ध के ज्ञान पे है। इसीलिए भगवान बुद्ध के ज्ञान आसमान जैसे, तो बाकी हर एक ज्ञान धरती जैसा, इसीलिए अरहंत सारभूत बंत जी बताएं, भगवान बुद्ध जी आप
जो आपके पास जो ज्ञान अनुबोध है वो ऐसा ज्ञान अन्य किसी के पास नहीं है। तब ना भगवान बुद्ध पूछ रहे थे तो कैसे बताया, भगवान बुद्ध लोग का मन पड़ा क्या? नहीं, हमको भगवान बुद्ध लोग का मन पढ़ने का हिम्मत शक्ति नहीं है, ऐसा ताकत नहीं। लेकिन जिस दिन मैं भगवान बुद्ध जी के पास आकर के धर्म सुना, वो धर्म सुनते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तब मुझे समझ में आ गया भगवान बुद्ध की धर्म ऐसा है, ज्ञान ऐसा है। तो सोचिए आप लोग एक भी शब्द जो सुनता है भगवान बुद्ध की, वो शब्द आश्चर्य है, अद्भुत है। ज्यादा नहीं, आप लोग देखिए बचपन से आप लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग धर्म मुस्लिम धर्म के बारे में थोड़ा मोटा जानते होंगे, ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा मोटा, हिंदू धर्म के बारे में पूरा जानते होंगे, पूरा नहीं फिर भी। अभी आप लोग भगवान बुद्ध धर्म में भी थोड़ा जानते हैं, अभी तक जान गया थोड़ा सा है आप लोग, अभी सब बराबर करेगा तो भगवान बुद्ध ज्ञान कहाँ है, बाकी ज्ञान कहाँ है ना, बिल्कुल तुलना कर सकता है, ऐसा है एकदम ये ज्ञान। इसीलिए हम बताए खल रात कोई भी भगवान बुद्ध के रास्ता पे ध्यान करके, सील सुरक्षा करके और ज्ञान सुनकर मेहनत करते रहेगा तो वो व्यक्ति का बुद्धि जल्दी जल्दी बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है। बाकी धर्म का बुद्धि बढ़ता नहीं, हमेशा ऐसा ही है, उसमें जंग बढ़ता है। जंग मतलब अंधविश्वास, अंधविश्वास बढ़ते जाता है, और विश्वास करो, पूजा करो, मानत रखो, ऐसा करो, वो करो, वो करके जंग बढ़ जाता है। भगवान बुद्ध धर्म में जंग नहीं, प्रज्ञा बढ़ता है। इसलिए भगवान बुद्ध रास्ता पे जाने वाले कोई एक बच्चा जाकर कोई प्रिंसिपल के साथ बात करेगा तो प्रिंसिपल भी हार जाता है, यानी कि इतना प्रज्ञा और किसी के पास हो ही नहीं सकता है। होना है तो भी भगवान बुद्ध रास्ता पे जाने वाला कोई होना चाहिए, और भगवान बुद्ध रास्ता पे जाने वाले कौन है भारत में, कोई नहीं। उधर के लोग अंबेडकर जी के चलते में उधर गलत रास्ता है, फिर इधर उधर हम लोग को भगवान बुद्ध के रास्ते पे जाने वाले लोग मिलता है, कैसे लोग हैं, पूरा गाली देता है देवताओं को, बाकी धर्म को अपमान करता है, या तो फिर बुरा अंधविश्वास है। आप लोग देखिए, आप लोग का नॉलेज बाकी लोग का नॉलेज तुलना कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसा है, दो बच्चा है, बच्चा छोटा है, एक बच्चा जंगल में गुलगुलिया लोग ले लिया, दूसरा बच्चा ले लिया महाराजा। ठीक, अभी राजा के पास एक बच्चा है, एक भाई, दूसरा भाई गुलगुलिया के पास है। गुलगुलिया पास रहने वाले बच्चा क्या करेगा, पत्ता से नीचे डाकेगा और जानवरों का टूट पीट के खा जाएगा, कच्चा मांस खाएगा, या खुरूप दुबला पतला हो जाएगा, दाढ़ी उड़ी सब आ जाएगा, गुलगुलिया का रूप याद है ना। राजा का, राजा के पास गए वो बच्चा कैसा है, अच्छा आभूषण पहन के दम हट्टा कट्टा देखने में, अच्छा थगड़ा है, और मुकुट पहन के दाढ़ी उड़ी सब काट के सुंदर चमक रहा है चेहरा की, अच्छा अच्छा खान पान है मिल रहा है, आचरण अच्छा है, स्टाइल राजा का है। लेकिन वो कैसा है, भाई दोनों एक ही माँ का है, लेकिन वो देखने में कैसा है, ये कैसा है, वैसे ही दूसरा धर्म के रास्ते पे जाने वाले लोग गुलगुलिया का बच्चा जैसा है, भगवान बुद्ध के रास्ते पे जाने वाले लोग महाराज का बेटा जैसा है, वैसा फर्क। खुशी से रह सकता है, जीवन पर मुस्कुराते रह सकते हैं। आप लोग कभी मत सोचिए भगवान बुद्ध रास्ता पर आने से बीमार रुकेगा, तकलीफ खत्म होगा, वो उसके लिए भगवान बुद्ध रास्ता नहीं है। ऐसे है तो अरहंत महामंगलन बांते जी बच सकता है, जानते ना अरहंत मंगलन बांते जी क्या हुआ, इसके बाद अरहंत अंगुलीमाल बांते जी को पत्थर मार दिया, और कोई बांते जी को काट दिया, मार दिया, अरहंत लोग भी नहीं बच सकता है कर्म से, कर्म तो कर्म है। इसका मतलब भगवान बुद्ध धर्म लोगों को मूर्ख उल्लू बनाने वाला नहीं है। हर एक धर्म का सिस्टम क्या है, धर्म पे लाने के लिए एक तरीका बताता है, बीमार ठीक हो जाओ, आ जाओ,
तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक होगा, आ जाओ। तुम्हारे परिवार का प्रॉब्लम ठीक होगा, आ जाओ। यानी कि उल्लू बनाता है। भगवान बुद्ध का भी किसी को उल्लू नहीं बनाता है। भगवान बुद्ध कभी नहीं बताया बीमार ठीक होगा, आ जाओ धर्म पे। मेरा रास्ता पे आने वाले लोगों का तबियत ठीक होता है, बूढ़ा नहीं होता है, मरता नहीं, कभी नहीं ऐसा झूठ बोलता है। भगवान बुद्ध बताते हैं धर्म के रास्ता पे आने वाले लोग बीमार पड़ता है। लेकिन फर्क क्या है, अभी आप बीमार पड़ेगा तो आपको मनन कर सकता है। भगवान बुद्ध सच बताया, जन्म लिया तो बीमार पड़ता ही है। अभी हम बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ते समय आपका मन बीमार नहीं पड़ता है, क्यों? पहले से जानता है बीमार पड़ता है, भगवान बुद्ध ने बताया। और आप मरने का समय में आ गया, मरने का समय में आते ही आपको कोई दुख नहीं है कि जानता है मर रहा है, और हम बचाओ बचाओ ऐसा कुछ नहीं है, शांति से रहता है मनन करके। सबको मैत्र करेगा, सभी लोग सुखी हो। अभी हम मन पवित्र करके रखना चाहिए अगले जन्म में जाने के लिए, मरने जा रहे हैं हम, सभी लोग सुखी मैत्री करते रहेगा। बाकी लोग ऐसा नहीं, बचाओ हमको बचाओ बचाओ, हे भगवान अभी हम पापा कहाँ है, मामी कहाँ है, सब किया हुआ पाप याद आ जाएगा, वो याद है, ये याद आएगा, बहुत परेशान। और कोई विदा हो गया तो बाकी लोग बहुत रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जो भगवान बुद्ध के रास्ता पे जाता है, भगवान बुद्ध रास्ता पे जाता है मतलब बुद्धिस्ट नहीं है, उसी धर्म को प्रैक्टिस करने वाला। कोई विदा होता है, अपना माँ मर जाती है, पिता मर जाते हैं, या भाई बहन मर जाते हैं, कोई दुख नहीं है। एक बार क्या हुआ, हम आपको बताया है दंपत का एक कहानी था, बहुत सुंदर है वो। एक बार भगवान बुद्ध के समय में एक आदमी बहुत रो रहा था, अपना पोता मर गया, तो दादा रोज रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। इसके बाद बोल रहा है, तुम रो रहा है मैं कारण क्या है, देखो मेरा प्रिय लोग मर गए, सभी लोगों का विदा होना पड़ता है। आज ने बहुत पहले एक घटना हुआ, उनमें प्रज्ञावान लोग बिना रो के रह गया। ऐसे करके बताया, एक घर में एक पापा था और मम्मी थी, बेटा था, बेटी थी, और बेटा का पत्नी यानी बहू ना, वो परिवार था। तो बेटा और पापा खेती करने के लिए गया, खेती कर रहे हैं। खेती करते समय एक सांप काट लिया बेटा को, बेटा को सांप काट लिया तो बेटा मर गया। पापा क्या किया, कुदाली छोड़ के बेटा का बेटा उठा के पेड़ के नीचे रख दिया, रख के मैं खेती कर रहा है पापा। इसके बाद एक लड़का जा रहा था, जैसे मैं बोल रहा था मेरे घर तरफ जा रहे, हाँ जाके मेरा बीवी को बता दो आज दो लोगों का खाना नहीं लाना है, एक का खाना लेके आना है, और बहू को बेटी को बताना फूल लेके आने के लिए। इसके बाद ठीक बताया, जाके बताया, उन लोग भी वैसे खाना लाया, ये पापा खाना खाया, उन लोग लकड़ी जमा किया। अब बेटा कोई रोता नहीं, परिवार में कोई नहीं रोता है, हंसता भी नहीं रोता भी नहीं। बेटा का शरीर रख दिया चिता पे, इंद्रजी देख लिया ये बार, कमाल है, पागल तो नहीं इन लोग। इंद्रजी आ गया, आगे आकर के मैं पापा को बताया, ये कोई खाने के लिए मांस जला रहा है या अपना बेटा जला रहा है, अपना बेटा जला रहा है, क्या तुमको बेटा बहुत कष्ट दिया है, परेशान किया है, कोई चिंता नहीं बेटा के बारे में? नहीं नहीं, ये बेटा हमको बहुत सेवा किया, माँ पिताजी को बहुत आज्ञाकारी है, माँ पिताजी दोनों को बहुत उपकार भी किया, कभी हमारे लिए कोई घाटा नहीं किया, बहुत प्यारा बेटा है, तो रोता क्यों नहीं? हम लोग सब मर जाता है तो रोने का मतलब क्या है, ये जीवन का एक माया है, इस माया में हम लोग फंसना नहीं चाहिए। इंद्र जी गए मम्मी के पास, माँ आपको दुख नहीं, अपना बेटा मर गया है? नहीं कोई दुख नहीं, हम सभी लोग मर जाते हैं, कल मेरा भी मृत्यु होगा, कल मेरा बेटी का मृत्यु हो सकता है, उसमें कोई फर्क क्या है। इंद्र जी बहुत खुश हो गया,
बहुत बधाई दिया, उन लोगों को बहुत गुण गाया, आप लोग महान है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं रह सकता है। सभी लोग कोई मर गया तो चिल्लाता है, रोता है, लेकिन आप लोग देखिए अपना प्यारे लोग मर गया था भी आप लोग सीधा रहते हैं, प्रसन्न मन से रहता है, महान है आप लोग। ऐसे करके बहुत उपकार करके इंद्रजी चले गए। भगवान बुद्ध ने बताया उस जन्म में जो पिताजी था वो भगवान बुद्ध है, बेटा था वो राहुल है, पत्नी थी वो खेमा, ऐसा करके बताया। अति बुद्धिमान लोग ऐसा रोता नहीं मरने के बाद, ऐसा है भगवान बुद्धि रास्ता वैसा है, आंसू गिराने का धर्म नहीं है, आंसू रोकने का धर्म है। तो आप लोग कितना भाग्य है, कितना पुण्यवान है, ऐसा ज्ञान की रास्ता पे आप लोग को आने का चांस मिला। तो सोचिए, आप लोग अभी तक समझ में नहीं आता है, मेरे ख्याल से बांते लोग को भी समझ में नहीं आता होगा, हमको भी कम समझ में आता है भगवान बुद्धि की रास्ता का कीमत। समझ में आता है भविष्य में, समझ में आता है ज्ञान की रास्ता पे जाते जाते। अभी आप लोग भगवान बुद्धि की रास्ता पे बच्चा है, बच्चा मतलब थन्नी को बच्चा है, अभी तक पहला कदम भी नहीं रखा। नॉर्मली भगवान बुद्ध रास्ता को देख लिया, आप लोग कदम रख दिया तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। कैसे अरहंत लोग जीते हैं, कितना सुंदर है ना, भगवान बुद्ध समय में गृहस्थ लोग थे, सोतापन्न लोग, कितना खुशी से रहा। अभी आप लोग देखिए आश्रम का बच्चा लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता है, एक दूसरे से जलन नहीं करता है, कहीं पैसा चोर दिया तो आप लोग चोरी करने का मन नहीं करता है, इधर लैपटॉप रखा हुआ, आईपैड रखा हुआ, लोभ नहीं आता है। कभी आप लोग डांट दिया तो आप लोग तुरंत सुधरने के लिए कोशिश करता है, ये किस कारण से हुआ है, भगवान बुद्धि ज्ञान के कारण। अगर भगवान बुद्धि ज्ञान नहीं है तो अभी तक आप लोग बिगड़ गया, अभी तक सोनू बर्तन बेच रहा है दुकान पे बैठ के, एकदम पतला दुबला काला ऐसे करके बेच रहा होगा कहीं बैठ के। सचिन भी घर पे रह के कहे अभी मैट्रिक कर रहा होगा कुछ जैसा थे, अभी टीवी पे गिरा रहा हो गया है। हर जगह प्रोग्राम करते सभी लोग खुश होते हैं, जहाँ जाके ज्ञान होता है सब खुश होता है। एक ज्ञान सुन के इतना खुश होगा तो बार बार ज्ञान सुन लिया तो लोग का जीवन बदल जाता है। भारत के हर गांव के सभी लोग ज्ञान सुनेगा तो भारत, बाप रे, एक महीने में भारत बदल जाएगा। अभी देखिए खोलनी में पहले दिन प्रोग्राम किया, ज्यादा कोई कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन प्रोग्राम किया, चलेगा बहुत ठीक है, अच्छा है, ज्ञान है।